हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं एप्सन के L3110 प्रिंटर की। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इस प्रिंटर की अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और रिव्यू भी दूंगा, और इस प्रिंटर के बारे में बताऊंगा कि इस प्रिंटर की प्रिंटिंग क्वालिटी किस तरह की है, इसकी प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा, मैंने कहां इसे परचेज किया है इसके बारे में भी बताऊंगा, और आपको ये प्रिंटर बाय करना चाहिए नहीं बाय करना चाहिए, और अगर आप ये प्रिंटर बाय करते हैं तो इसको किस तरह से सेटअप करना है इनिशियली, इन सारी चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरा नाम है साथ, आप देख रहे हैं चैनल टेक्नो साथ। चलिए देखते हैं सब इस इंट्रो के बाद। तो फ्रेंड्स, अनबॉक्सिंग आपने देख ली है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रिंटर को स्टार्ट कैसे करना है, इसका सेटअप किस तरह करना है, और इसमें आपको इंक किस तरह से फिल करनी है, और वायरिंग वगैरह किस तरह से करनी है, सॉफ्टवेयर किस तरह से इंस्टॉल करने है, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपको इसमें इंक को रिफिल किस तरह से करना है। तो अब जो आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ उसमें मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मेथड बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको इंक को रिफिल करना है। इसके साथ चार इंक्स आती हैं, चार कलर्स की, वो चार को उनके स्पेसिफिक कलर पोर्शन पे आपको फिल करना होता है, और काफी इजी तरीका है इसके इंक को रिफिल करने का। Slime, 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 slime
जैसे ही आप अपने प्रिंटर में इंक फिल कर लेंगे, उसके बाद आपको वायर कनेक्ट करनी होगी। इसके साथ दो केबल्स मिलती है, एक पावर केबल होती है जो कि आप अपने स्विच बोर्ड से कहीं से भी आप इसे पावर देंगे, और एक यूएसबी केबल होती है जो कि यूएसबी पोर्ट में जाएगी, जिसके मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ पीछे। तो आप इस यूएसबी पोर्ट को आपको इसके यूएसबी पोर्ट में लगानी है, और आपको इसका पावर केबल जहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ उधर पे आपको इसकी पावर केबल लगानी है। पावर केबल आपको कनेक्ट कर देना है अपने किसी इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से, और इसका जो यूएसबी केबल है आपको अपने पीसी के पीछे कनेक्ट कर देनी है, ताकि आपके जो पीसी से प्रिंटर का कनेक्शन जो है वो हो जाए। अब जब आप अपने प्रिंटर को पीसी से कनेक्ट कर लेंगे, तो आपको क्या करना है कि इसके साथ एक सीडी ड्राइव मिलती है, उस सीडी ड्राइव को आपको अपने पीसी पे लगाना है, और उससे आपको इसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेने हैं। जो एप्सन की स्मार्ट स्कैन सॉफ्टवेयर आता है, स्मार्ट स्कैन सॉफ्टवेयर और प्रिंटिंग के ड्राइवर्स वगैरह है, वो आपको इसके सीडी में मिल जाएगा। तो आपको इसकी सीडी को लगाना है, और आप रन करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सीडी के ड्राइव जैसे ही आप लगाएंगे, आपके पास जो सीडी ड्राइव शो होगी उस पर डबल क्लिक करना है, रन करते रहे, नेक्स्ट नेक्स्ट खुद ही से ये सारा काम कर लेगा। जब आप फर्स्ट टाइम अपने प्रिंटर का पावर बटन को प्रेस कर देंगे, तो इसका पावर बटन ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, और इसकी इंक वाली लाइट जो है वो जलना शुरू हो जाएगी। तो करना आपको कुछ यूं है कि इसको फर्स्ट टाइम असल में इसमें इंक जो है वो चार्ज करना पड़ता है, जिसमें 15 से 20 मिनट का आपका टाइम प्रिंटर ले सकता है आपके, मतलब हो सकता है 15 मिनट में हो जाए, हो सकता है 20 मिनट में हो जाए। यूजुअली 15 से 10 मिनट में आपका प्रिंटर चार्ज हो जाता है, इंक प्रिंटर में चार्ज हो जाता है। एप्सन वाले 20 मिनट रेकमेंड करते हैं मैक्सिमम के, मैक्सिमम 20 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने इसे 15 से मेरे यूज़ में 15 से 10 मिनट में मुझे इंक जो है मेरी चार्ज हो गई थी प्रिंटर की। तो आपको इंक चार्ज करने के लिए करना असल में ये है कि इंक वाला जो बटन है उसे प्रेस करना है, थोड़ा होल्ड करके रखना है। आपकी जो इंक की लाइट है और पावर की लाइट है वो फ्लैश होना शुरू हो जाएगी, ब्लिंक करना शुरू कर देगी। जब वो ब्लिंक करना शुरू करे, आपको अपने इंक वाले बटन को छोड़ देना है, आपको उसे फिर प्रेस नहीं करना। उसके बाद आपको 10 से 15 मिनट का वेट करना है, ताकि आपकी इंक जो है चार्ज हो जाए। एक्चुअली इंक चार्ज करने का मेथड ये होता है कि इंक जो है आपके हेड में ट्रांसफर हो रही होती है, जिससे आपका प्रिंटिंग जो मतलब होगी, प्रिंटिंग होगी उस हेड में, वहाँ इंक ट्रांसफर हो रही होती है। एक्चुअली ये उस टाइम से इंक चार्ज होता है जब आप प्रिंटर को अपने फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम अपने प्रिंटर को सेटअप कर लेंगे, उसके बाद ये 10 से 15 मिनट इंक चार्ज करने में टाइम लगेगा, उसके बाद आपको कभी भी इंक चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी एज पर एप्सन। तो इंक चार्ज कर लिया है, अब आपको मैं बाकी के मेथड बता देता हूँ कि स्कैनिंग वगैरह और प्रिंटिंग वगैरह किस तरह से करनी है। अगर जब आपका इंक चार्ज हो जाएगा, तो आपके जो पावर की लाइट है वो स्टेबल हो जाएगी, वो ब्लिंक करना छोड़ देगी, और इंक की लाइट ऑफ हो जाएगी, इंक की लाइट अब नहीं जलेगी। जब इंक की लाइट आपकी जल रही है, इसका मतलब यह है कि आपको इंक चार्ज करने की जरूरत है, या फिर आपका जो इंक चार्ज है उस सही तरीके से नहीं हो पाया है, तो आप उसे दोबारा से प्रेस करके इंक चार्ज कर सकते हैं। हो सकता है कोई एरर वगैरह आ गया हो, या पावर का इशू आ गया हो, पावर वायर वगैरह हिल गई हो, पावर बटन दब गया हो गलती से, तो इस वजह से कोई मसला आ सकता है जिसकी वजह से इंक चार्ज ना हो। तो आपको इंक का जो बटन है वो दोबारा से प्रेस करेंगे, तो थोड़े टाइम में खुद से इंक चार्ज हो जाएगा। भी आपको मैंने करके दिखा दी, स्कैनिंग और प्रिंटिंग के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है, इस प्रिंटर में इंक को किस तरह से फिल करना है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और इसकी वीडियो भी आपको दिखा दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।